नमस्कार, यूपी एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कोंडागांव से मुकेश मार्केंडे की रिपोर्ट। जिला कोंडागांव के ग्राम आलोर स्थित प्रसिद्ध लिंगेश्वरी माता मंदिर इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेंगे। देखते रहिए UVN08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। प्रतिवर्ष की तरह लिंगेश्वरी माता मंदिर समिति के द्वारा 2 सितंबर 2020 को मंदिर को खुलने का निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन एवं मंदिर समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 2 तारीख को केवल मंदिर समिति के पदाधिकारियों के द्वारा पूजा अर्चना किया जाएगा। क्षेत्र के ग्रामीण, दूर दराज अंचल एवं अन्य प्रांत राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध होगा। हम लोग शैलेश चौबे नाम है, चंद्रपुर महाराष्ट्र से आए हैं। माता माई के दर्शन के लिए आए थे, लिंगेश्वरी माई के। बहुत नाम सुने थे, बहुत दूर से आए थे, लेकिन अब कोरोना काल के वजह से दर्शन नहीं हो पा रहा है। अब यहीं से हाथ जोड़ के वापस जा रहे हैं माई का। तो क्या मन्नत लेके आए थे? माई का बहुत नाम सुने थे यहाँ संतान प्राप्ति के लिए। जी, हम लोगों का भी सत्तार मिसकैरेज होते रहता है, बहुत बार हो गया है। तो शायद जी जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, इस उद्देश्य से आए थे, लेकिन अब कोरोना काल की वजह से दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो वापस जाना पड़ेगा। मेरा नाम दुकार सिंह नेताम है, मैं समिति का सचिव हूँ। यहाँ पे इस वर्ष कोरोना के चलते हुए इस वर्ष मेला स्थगित किया गया है। यहाँ निसंतान लोग संतान प्राप्ति के लिए देश से, पूरे भारत से ही आते हैं, बिल्कुल विदेश से भी कई लोग बार आए हैं। तो ऐसे हजारों की, यहाँ लाखों की भीड़ रहती है, और मन्नत भी पिछले सत्र के हिसाब से लगभग 574 के आसपास हमारा कापी में एंट्री हुआ है। ऐसे लोगों की भीड़ एक मेला के एक दिन पूर्व से ही लग गई। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने इस बार मेला को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। केवल समिति के सदस्य रहेंगे और पुजारी रहेंगे, उनके ही साथ विधि विधान से माता जी का पूजा अर्चना किया जाएगा। उसके अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रवेश करना वर्जित है। लोगों को, बाहर के लोगों को जिस तरह से वर्जित किए, निषेध मतलब उनको रोका गया है, उसी तरह से सभी के लिए।